आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गाय भैंस भेड़ बकरियों में एंड बकरों में आए दिन समस्या होती है, उनके पेट में कब्ज बन जाती है, चारा कम खाते हैं और पेट जो है उनका भरा सा रहता है चारा ना खाने के बावजूद भी, और पेट जो उनका बहुत ठसठसता रहता है, भरा हुआ रहता है। तो ऐसी स्थिति में हमें जानवर को कौन सी दवा देनी चाहिए जिससे जानवर का पेट जो नॉर्मल हो जाए और साथ में उसकी भूख खुल जाए और जो मैंगन है या लैटरिंग है या गोबर है वो सही, उसका मल जो है सही हो जाए जिससे जानवर की भूख जो है खुल जाएगी और माइक्रोफ्लोरा साथियों उनकी ग्रोथ होगी और जानवर को भूख अच्छी लगने लगेगी। ऐसी स्थिति में पशुपालक को आर्थिक जो नुकसान होता है, जो दूध उत्पादन क्षमता होता है, पशु चारा नहीं खाता तो उससे बहुत अच्छा आराम मिलेगा। जब चारा खाएगा जानवर तो उनको दूध भी देगा और साथ में जो भेड़ बकरियाँ या वैसे पशुपालक हैं उनको वजन बढ़ाने में भी आसानी होगी। तो जानेंगे पूरा इस वीडियो में कि ऐसी दवा कौन सी है जिससे जानवर का जो मल है, अगर पेट में कब्ज है, अफरा है, गैस है या बंद लगने के चांसेस हैं या जो मैंगन है वो बहुत ज़्यादा सूख रही है, लैटरिंग नहीं उतर रही है, तो ऐसी स्थिति में अगर ये दवा देंगे तो दवा देने के बाद भी कुछ घंटों के अंतराल में जानवर को आराम होने लगेगा। तो इस वीडियो में मैं यही चर्चा करने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों मेडिसिन का नाम है ओपनर और इसमें जो साथियों साल्ट होता है वह है लिक्विड पैराफिन एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड सोडियम पिकोसल्फेट, ये तीन तरह के साल्ट से इसको बनाया गया है। इसमें जो साथियों कंटेंट्स की मैं बात करूं तो लिक्विड पैराफिन इसमें 1.25 ml इसमें साथियों लिक्विड पैराफिन है और इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया साथियों 1.75 ml इसमें साथियों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है और साथ में सोडियम पिकोसल्फेट की मैं बात करूँ तो 3.33 ml इसमें सोडियम पिकोसल्फेट है। तो इन तीन तरह के इंग्रेडिएंट्स डालकर इसको बनाया गया है और साथ में हम बात कर लेते हैं इसकी साथियों MRP की। तो ये MRP साथियों इसकी 90 रुपये है और 150 ml की ये सिरप आती है और ये गाय भैंस भेड़ बकरियों में जो दी जाती है किन कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे कि जानवर के पेट में अफरा आ जाता है या नया भूसा जो आजकल चल रहा है वो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना पशुओं को करना पड़ रहा है, उनको तेज दस्त हो जाते हैं और तेज दस्त होने के साथ साथ उनके पेट में कब्ज बन जाती है, पशु चारा खाना छोड़ देते हैं और एक ऐसी स्थिति आती है कि जानवर के पेट में खुश्की बन जाती है और गोबर बिल्कुल सूख जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति में आप गाय भैंस को देंगे तो जानवर का जो मल सूखा है या पेट में कब्ज है या पेट में अफरा है तो अगर इस सिरप को पिलाएंगे तो जानवर को तुरंत आराम मिलने लगेगा। तो इसकी मैं साथियों डोज की बात करूँ तो डोज आपने क्या देनी है, तो बड़े पशु को आपने जो 150 से 200 किलो बॉडी वेट का पशु है वहाँ पर आपने एक सिरप आपने दिन में 1 ml एक बार देनी है, यानी 150 ml पूरी सिरप एक बार देनी है। अगर ज़्यादा दिक्कत है, गोबर नहीं उतर रहा है तो एक सिरप सुबह, एक सिरप आपने इवनिंग में देनी है अगर गोबर नहीं करता है या मल उसका सूख गया है तो वहाँ पर दें। अगर किसी प्रकार का पेट में कब्ज है, अफारा है तो दिन में सिर्फ एक ही बार CC को देंगे तो जानवर का जो मल है या पेट में अफारा है वो सब गैस खत्म हो जाएगी। अब यहाँ भेड़ बकरियों के ऊपर मैं बात करूँ, भेड़ बकरियों के ऊपर हम बात करते हैं तो साथियों जो बड़े पशु हैं गाय भैंस हैं उनमें ये 12 घंटे में एक बार दी जाती है और 24 घंटे के बाद ये सिरप फिर दी जाती है, फिर 36 घंटे के बाद ये रिपीट होती है। तो ये दिन में साथियों एक बार दी जाती है और ये तीन सिरप बड़े पशुओं में पिलाना अनिवार्य होता है और जिससे जानवर का जो पूरी तरह जो रोग है, पेट में जो इन्फेक्शन है या रूमन का pH डाउन हो गया तो पूरी तरह ही कंट्रोल कर देगा। और साथ में हम भेड़ बकरियों की डोज के बारे में बात कर लेते हैं। भेड़ बकरियों के साथियों अगर गोबर का बंद लगा, उनकी मैंगनीज सूख गई है, गोबर नहीं कर रहे हैं और डिवॉर्मिंग करने के बाद भी उनका मल जो है सूख गया है, गोबर नहीं यानी मैंगन नहीं कर रहा है तो वहाँ पर बड़े बकरे को या बड़ी बकरियों को आप जो 50 से 40 किलो बॉडी वेट के बकरे हैं या बकरियाँ हैं वहाँ पर आपको 10 ml इसको पिला सकते हैं और 10 ml आपने फिर अगले नेक्स्ट डे देना है और ऐसे 3 दिन तक आप इसको दें तो जो बकरे के पेट में कब्ज है या अफरा है या अफरा बार बार आने की शिकायत है तो वहीं कंडीशन ऐसी होगी, ये समस्या सब दूर कर देगा। और साथ में हम प्रेगनेंसी की बात करें तो साथ ही प्रेगनेंसी में दवा बिल्कुल सेफ है, तो कोई भी दवा देने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श ले लें तभी आप इसको दें। तो साथियों ये सिरप बहुत ही अच्छी कारगर है, ये पेट में कब्ज, अफरा, गैस सभी को दूर करता है और बहुत ही रामबाड़ा इसका रिजल्ट है। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्योंकि मैं इसी तरह की पशुओं से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, अगर गोट फार्मिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से उसको आप सब सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।